को बचाने के लिए सूर्या की हीरोपंती। पेड़ पर अटके सूर्या और गहना। मियां बीवी ने की गुंडों की धुनाई। स्टार प्लस के सीरियल साथ निभाना साथिया सीजन 2 में आ गया है कहानी में नया मोड़, जहां पर सूर्या पहुंच गए हैं जंगल में अपनी गहना को बचाने के लिए। भाई पहले तो उन्होंने खुद ही गहना को इस जंगल में छोड़ा था, लेकिन जब उन्हें सच्चाई का पता चला कि गहना बेकसूर है, तो ऐसे में वो गहना को बचाने के लिए पहुँच गए। और देखिए तो कैसे पेड़ पर अटकी गहना को सूर्या बचाने पहुँच गए है। वैसे ये सीन फिल्माना इतना भी आसान नहीं है। गहना और सूर्या दोनों ने ही लगाए हैं हार्नेस, और सीरियस सीन में बिहाइंड द सीन हो रही है मस्ती भी। धूप हो रही है, हालत देख सकते हैं आप क्या हो रही है हमारी, और हाथ वाथ भी थोड़े छिल गए हैं, और बाकी इट्स पार्ट ऑफ द प्रोफेशन यार। एक्टर हैं तो करना तो पड़ता ही है। बोलते हैं आप हीरो, आपको सब आना चाहिए, तो बस वही कोशिश में रहते हैं कि सब करें, दिल से करें और लोग प्यार दें, और इसलिए बस लगे हुए धूप में और दोनों मेहनत कर रहे हैं। भाई सूर्या ने गहना को पेड़ से तो सही सलामत उतार दिया, लेकिन वहाँ पर गुंडे पहुँच जाते हैं, और ऐसे में सूर्या गहना के लिए इन गुंडों से लड़ते हैं, और गहना भी कुछ कम नहीं, वो भी गुंडों की धुनाई करती है। सूर्या को अपनी गलती का एहसास हो गया है और उसे अब गहना पर पूरा विश्वास है, और ऐसे में देखने को मिला सूर्या और गहना का एक दूसरे के लिए प्यार। गहना, गहना आंखें खोलो, देखो तुम्हारा सूर्या तुम्हें लेने आया। गहना, गहना आंखें खोलो, गहना, गहना, गहना आंखें खोलो ना, गहना। तो इन्होंने ही मुझे जंगल में छोड़ा अकेले मरने के लिए, कहा था कि आई कर्स यू कि तुम मर जाओ ये वो। अब यही मेरा पीछा करते करते मुझे ढूंढते हुए यहाँ आए, आई डोंट नो व्हाई। अब जब मैं होश में आऊँगी तब मैं इनसे ये सवाल करूँगी। मैंने इन्हें जंगल में इसलिए छोड़ा क्योंकि इन्होंने मेरी माँ को जान से मारने की कोशिश की, उन पर गोली चला दी, जो कि मुझे बताया गया जब मैं घर पहुँचा तो कि गहना ने ये सब किया। तो मैं इन्हें हॉस्पिटल से ही घसीटते हुए लेके आया और मैंने इन्हें यहाँ पर ला के छोड़ दिया, और मैं इनको बोलता हूँ कि मैं तो तुम्हें जान से मार देता, लेकिन ये मेरी माँ की परवरिश है कि तुम्हें यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। तो इसके बाद जब मैं जाता हूँ वापस हॉस्पिटल, तो मुझे डॉक्टर बोलता है कि वो लड़की कहाँ है, उन्होंने आपकी माँ के घाव पे पट्टी लगा दी थी इसलिए खून कम रहा है, जिसकी वजह से आपकी माँ की जान बची। और फिर पुलिस वाले भी आते हैं और वो पूछते हैं कि वो गहना कहाँ पे हैं, उन्होंने कंप्लेंट लिखवाई थी दो लड़कों के बारे में। तो फिर मुझे रियलाइज़ होता है कि यार गहना ने कंप्लेंट लिखवाई थी तो मतलब इसने नहीं किया, मुझे गलत इन्फॉर्मेशन हुई है गहना। तो मेरे में बहुत गिल्ट होता है, दादी भी सुनाती है मुझे बहुत कुछ, तो मुझे फिर गलत अंदर अपने गिल्ट होता है, और उसके बाद फिर आई रियलाइज़ कि नहीं, मेरे को गहना को जाके ढूंढना है। तो इसलिए वो जंगलों में भाग रहा है वो पागलों की तरह, और फाइनली उसे गहना दिखी कि वो पेड़ पे ऊपर है, और अब वो पेड़ पे चढ़ा और गहना को उतार के नीचे लेके आया, और मोहब्बत तो है तो वो कहीं ना कहीं लोग भड़का देते हैं उसे, लेकिन अभी जब उसे रियलाइज हुआ तब वो बेचारा है गहना को। तो भाई अब सूर्या और गहना एक दूसरे के साथ है, तो देखना होगा कि गहना के सारे दुश्मन अब कैसे इन दोनों को जुदा कर पाते हैं और गहना को नुकसान पहुंचा पाते हैं। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।